Bismillahir Rahmanir Rahim. Alaikum. Welcome to the MLT Education Point. First topic is introduction of human anatomy. In introduction of human anatomy, we will discuss about basic definitions and branches of anatomy. So let's start the topic. Anatomy. Anatomy is the branch of medical science or a biological science in which we study the structure of human body. एनाटमी क्या है मेडिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एनाटमी एनाटमी जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड से एना मीनिंग एंड टीमोस और टॉम मीनिंग कटिंग जब हम ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स या सिस्टम में क्लासीफाई करके स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अनोटमी तो एनॉटमी क्या है ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी स्टडी दी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू एनअदर बॉडी पार्ट एनार्टम में ना सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बल्कि इसका रिलेशन भी देखते हैं एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के साथ कैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हार्ट की स्टडी कर रहे हैं या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे यानी उसके अंदर कितने वॉल प्रजेंट हैं या उसका फंक्शन क्या है कैसे वर्क करेगा तो हार्ट जो है वो ब्लड पम्प करता है थ्रू आउट दी बॉडी वे आर्टरीज के ज़रिए ठीक है तो अगर किसी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज जा आ जाता है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो हार्ट है उसका किसके साथ रिलेशनशिप है ब्लड वेसल्स के साथ तो ये एनाटॉमी के अंदर सिर्फ हम ना सिर्फ हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बल्कि रिलेशनशिप भी देखते हैं वन बॉडी पार्ट का टू अनदर बॉडी पार्ट अब हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटमी तो ह्यूमन एनॉटमी की ट्वेंटी टू ये ब्रांचेज हैं वन बाय वन हम हर एक ब्रांच को डिटेल से देखेंगे भी फर्स्ट ब्रांच है रीजनल एनाटमी सेकंड वन इज़ दी सिस्टेमिक एनाटमी थर्ड वन इज़ दी ग्रॉस एनाटमी और एनाटॉमी, फोर्थ वन इज़ दी हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, फिफ्थ वन इज़ सरफेस एनाटमी सिक्स ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज़ दी कैडावेरिकोटमी Embryology or developmental anatomy, comparative anatomy, radiographic and imaging anatomy, functional anatomy, angiology, myology, osteology, cytology, arthrology, splencology, dermatology, endocrinology, neurology. अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटमी क्रॉस सेक्शन एनाटमी एंड लिविंग एनाटमी सो स्टार्ट करते हैं हर एक ब्रांच को डिफ़ाइन भी करेंगे और डिस्कस करते हैं विद एग्ज़ाम्पल सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ़ दी ह्यूमन एनाटमी इज़ दी रीजनल एनाटमी रीजनल एनाटमी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसमें किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के इट इज़ दी ब्रांच ऑफ एनाटमी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ़ द बॉडी कि जब हम अपनी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रीजनल अनोटमी और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजनस ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल हम अपर लिम्स की स्टडी कर रहे हैं हमारे आर्म उनकी एक स्पेसिफिक आर्म की अगर बात करें तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट है उनकी स्पेसिफिक लोकेशन है लोअर लिम है तो वो भी स्पेसिफिक पार्ट है उनकी स्पेसिफिक लोकेशन है हेड हो गया नेक हो गया ये किसकी एग्जाम्पल है रीजनल एनाटमी की जिसमें हम लोग किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करते हैं स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करते हैं सेकेंड ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज़ दी सिस्टमिक एनाटमी सिस्टमिक एनाटमी नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हम बॉडी के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं इट इज़ दी ब्रांच ऑफ एनाटमी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ़ द बॉडी इज़ कॉल्ड सिस्टमिक एनाटमी यानी जब हम अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टमिक एनाटमी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने प्रो डाइजेशन को देखें तो डाइजेशन का प्रोसेस किस सिस्टम के जरिए होता है गैसट्रो इनटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नाउ अगर हम बात करें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की कि हमारा हार्ट कैसे जो है ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया हमारा इंस्पायरेशन और एक्जेशन वगैरह का प्रोसेस नर्वस सिस्टम की बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया वस्कुलर सिस्टम तो ये जितने भी डिफरेंट सिस्टम हैं चाहे वो स्केलेटल सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम है ये किसकी एग्जाम्पल है सिस्टमिक एनाटॉमी की तो जब हम अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी नाउ द थर्ड ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज़ दी ग्रॉस एनाटमी ग्रॉस एनाटमी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी बोलते हैं यानी कि ग्रॉस एनाटमी के अंदर हम बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड एस मैक्रोस्कोपिक एनाटमी इन दिस ब्रांच वी स्टडी दो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कैन बी सीन विद नेकेड आई फॉर एग्जाम्पल मसल्स की स्टडी बोन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्किन जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं डेट इज़ ग्रॉस एनोटमी और माइक्रोस्कोपिक एनोटमी ये जब हम कोई सुपरफिशली कोई स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम ग्रॉस एनाटमी कहते हैं द फोर्थ वन ब्रांच ऑफ दी इनोटमी इज़ दी हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनोटमी हिस्टोलॉजी जो है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है हिस्टो मीनिंग टिश्यू एंड लोगोज मीनिंग ट्रीटाइज साइंस और स्टडी सो हिस्टोलॉजी क्या है कि जब हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं या ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए लाइक like माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए जब हम इन टिश्यूज़ या ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन एज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप और वी कैन से डैट द ब्रांच ऑफ एनॉटमी इन विच वी स्टडी दो स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कैन नॉट बी सीन विद नेकड आई बट वी कैन सी विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के जब उन चीज़ों की स्टडी करना जिनको हम अपनी आमांक से नहीं देख सकते और हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी फिफ्थ वन ब्रांच ऑफ द एनाटमी इज द सर्फेस सरफेस एनोटमी क्या है द ब्रांच ऑफ एनोटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डीपर और इंटरनल पार्ट्स ऑफ़ बॉडी इन रिलेशन टू दर्फेस ऑफ द स्किन यानी अगर हम स्किन की सरफेस को देखते हुए अपने डीपर या इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करते हैं कि वो स्किन से उनका लाइक like, अगर स्किन किस सर्फेस से उनको रिलेट किया जाए तो वो उससे कितना डीपर या इंटरनली प्रजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं सरफेस अनोटमी सर्फेसनोटमी जो होती है वो बेसिकली हेल्पफुल होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में और सर्जिकल ऑपरेशन में सिक्स वन ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी इज दी कैडावेरिकॉटमी एनाटॉमी के अंदर बेसिकली हम लोग डेड या प्रिजर्व बॉडीज़ को अपनी नेकड आई के साथ स्टडी करते हैं जो डेड बॉडीज़ लाइक अल्कोहल या फॉर्मलिन में प्रजर्वड होती हैं उनको जब हम अपनी नेकेड आई से स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कैडावेरिकोटमी ये माइक्रोस्कोपिक और ग्रास अनोटमी ही है यानी कि इसको भी हम लोग सुपरफिशली ही स्टडी कर रहे हैं और ये दो अप्रोचेज़ से हो सकती है रीजनल अनोटमी एंड सिस्टमिक अनोटमी से रीजनल अनोटमी यानी हम बॉडी को जब अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में स्टडी करेंगे यानी स्पेसिफिक पार्ट में स्टडी करते हैं एंड सिस्टमिक अनोटमी जब हम बॉडी को डिफरेंट सिस्टम्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट ब्रांच इज़ एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी एम्ब्रियो का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट एंड लोजी का मतलब होता है स्टडी तो एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर हम जो है एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ बेबी फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अप टू बर्थ ऑफ द बेबी यानी कि एग की फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी की डेवलपमेंट से लेकर यानी कि उसकी बर्थ तक जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं यानी कि ये एनाटॉमी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे और ये एनाटमी हमें डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करती है उन चेंजेस के बारे में जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट अकर हो रही होती हैं सो एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटमी क्या है इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटमी इन विच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डिवेलपमेंट एट्थ वन ब्रांच ऑफ द अनोटमी इज़ दी कम्पेरेटिव एनाटमी कम्पेरेटिव अनाटमी नाम से ज़ाहिर है कि हम ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है उसके जो पार्ट्स हैं उसको कंपेयर करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ इट इज़ द स्टडी ऑफ अनाटमी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी और वी कैन स्टे डैट स्टडी ऑफ़ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिज इन द ए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ये जो है कम्पेरेटिव एनाटमी ये क्लोजली रिलेटेड है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से या फिर फाइलोजेनी से यानी जिसमें हम लोग स्पीशीज़ की एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं इसकी कॉमन एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि कंपेरेटिव एनाटमी इज द सिमिलर बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ द कैट वेल्स बैट्स एंड ह्यूमन ऑल ऑफ दिस अपेंडिज कंसिस्ट ऑफ द सेम बेसिक पार्ट यट दिस कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर कि अगर हम देखें कैट को देखें वेल्स को देखें बैट को देखें या ह्यूमन के फोर लिम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो वो सिमिलर बोन्स हैं ठीक है थीके? लेकिन उनका फंक्शन जो है वो क्या है टोटली totally डिफरेंट है तो हम कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स या पार्ट को कंपेयर करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ इन कम्पेरेटिव एनाटमी नेक्स्ट ब्रांच इज़ रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनोटमी रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटॉमी में बेसिकली हम लोग इमेजिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जैसे कि रेडियोग्राफी हो गई अल्ट्रासाउंड हो गया सीटी स्कैन हो गया एमआरआई हो गया एक्स रेज हो गई सो इट इज़ दी स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाई प्लेन एंड कंट्रास्ट रेडियोग्राफी बाई अल्ट्रासाउंड एंड सी टी स्कैन यानी जब हम्प्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग या फिर मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एम आर आई या फिर एक्स रेज को यूज़ करते हुए ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी एंड द टेंथ वन ब्रांच इज़ फंक्शनल एनोटमी फंक्शनल एनोटमी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है फिजियोलॉजी के ठीक है इसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं स्टडी ऑफ अनोटमी इन इट्स रिलेशन टू दी फंक्शन उसके फंक्शन के साथ उसको रिलेट करते हुए और ये बिल्कुल फिजियोलॉजी से सिमिलर है फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जीआईटी के फंक्शन की कि इसोफेगस का रोल क्या है हाउ फूड पास आउट एंड हाउ इट परफॉर्म्स फंक्शन एंड हाउ इट्स इंटर इंस्टामिक विच फंक्शन इज परफॉर्म बाई इस्टिक टू ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल और वी कैन से डेट अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करते हैं कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है तो ये किसकी एग्जाम्पल है फंक्शनल एनाटनी के और ये बिल्कुल फिजियोलॉजी के सिमिलर है एलेवन वन ब्रांच इज़ दी एनजीलॉजी एनजीओलॉजी जो है ये वर्ड डिराइवड हुआ है ग्रीक वर्ड से एनजीओन मीनिंग वेसल्स एंड लोगोस मीनिंग ट्रीटाइज साइंस और स्टडी यानी एनजीओलॉजी के अंदर हम लोग ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं ठीक है इट इज़ दी ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फैटिक्स नहीं जब हम ब्लड वेसल्स या फिर लिफेटिक्स की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एनजियोलॉजी ट्वेल्थ वन ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज़ दी मायालॉजी मायो मीन्स मसल्स एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी ट्रीटाइज और साइंस यानी कि ह्यूमन एनाटमी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मसल्स के स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट को उनकी एक्शन को स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं माओलॉजी अब माओलॉजी अगर देखा जाए तो आपके जो लेग के मसल्स हैं वो डिफरेंट हैं नेक के मसल जो हैं वो डिफरेंट हैं तो जब हम उनको उनको उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को उनके फंक्शन को उनकी शेप को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स थर्टीन ब्रांचेस ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियो मीन्स बोन एंड लोजी मीन्स टू स्टडी साइंस और ट्री टाइज इट इज़ दी ब्रांच ऑफ ए नॉटमी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स कि जब हम अपनी बोन्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ओस्टिलॉजी अब ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बेबी की बात की जाए यानी चाइल्ड की बात की जाए तो उसके अंदर थ्री हंड्रेड बोन्स होती हैं इसी के कंपेरिजन अगर हम एडल्टूमन की बात करें तो उसके अंदर टू जीरो सिक्स बोन होती हैं अब ये बोन्स क्यों बर्थ के टाइम या लेकिन चाइल्ड के अंदर ज़्यादा होती हैं फिटेस के अंदर क्योंकि जब वो बड़ा होता है तो एज के साथ साथ ये जो उसकी बोन्स हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं थ्री हंड्रेड से वो फ्यूज़ होकर टोटल टू जीरो सिक्स बोन रह जाती हैं तो अब जब हम बोन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे उनकी लोकेशन को स्टडी करेंगे उनके फंक्शन को स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच में करेंगे ऑस्टियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ बोन्स और स्केलेटल सिस्टम फोर्टीन ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी इज़ द साइटोलॉजी साइटो मीन्स सेल लोजी मीन्स टू स्टडी जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं साइटोलॉजी इट इज़ ब्रांच ऑफ एनोटमी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कॉम्पोनेंट ये जब हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उसके कॉम्पोनेंट्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं साइटोलॉजी फिफ्टींथ वन ब्रांच इज द आर्थ्रोलॉजी आर्थरोन्स ज्वाइंट एंडलॉजी मीन्स टू स्टडी नीचे के जब हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आर्थरोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनॉटमी डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन डिसफंक्शन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन के जब हम जॉइंट्स की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे आर्थ्रोलॉजी सिक्सट्रीम ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज़ देंकोलॉजी

यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम की स्टडी जब हम करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे स्पलेंगकॉलोजी सेवनटीन्थ ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज़ दी डर्मेटोलॉजी डर्माटोलॉजी वर्ड भी डिराइव्ड है टू ग्रीक वर्ड से डरमाटोज मीनिंग स्किन एंड लोगोज मीनिंग थ्री टाइज कि जन जब हम स्किन की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डर्माटोलॉजी द ब्रांच ऑफ़ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर यानी कि जब हम अपने स्किन की स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्किन के स्ट्रक्चर की स्किन के फंक्शन की या अगर उसके अंदर कोई डिसबिलिटी आ जाती है कोई लाइक स्किन पे एक्नी हो जाती है कलर चेंज हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट जो करेंगे ये सब हम किस में डिस्कस करेंगे डर्माटोलोजी के अंदर एटीन ब्रांच इज़ दी एंड्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो डिराइव्ड है ग्रीक थ्री ग्रीक टर्म्स से एंडो मीनिंग विद इन और इन साइड क्राइम्स मीनिंग सीक्रीट और सेपरेट यानी हारमोन्स को सीक्रीट करता है एंड लोगोज मीनिंग क्रीटाइज और साइंस स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसन डीलिंग द डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम इट डिजीज़ेज़ एंड इट्स स्पेसिफिक सिक्रीशन एंड नोन एज हारमोन्स यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कि कैसे हारमोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं उनका उन अगर हारमोन्स की सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे क्या डिजीजेज होंगी उनकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी नाइन्टीन ब्रांच इज़ दी न्यूरोलॉजी द टर्म न्यूरोलॉजी न्यूरो मीन्स नर्व्स और नर्वस सिस्टम सो द स्टडी ऑफ द नर्वस और नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसन और बायोलॉजी डेट डील्स विद दी एनाटमी फंक्शनस एंड ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस एंड द नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी कि जब हम अपने नर्व्स या नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं न्यूरोलॉजी ट्वेंटी ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एनाटमी इज द एप्लाइड और क्लिनिकल एनाटमी इट इज द्रांच ऑफ एनाटमी डाइट डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइग्नोसिज ऑफ डिजीज यानी जब हम डिजीज की डायग्नोस या ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं अप्लाइड और क्लिनिकल अनोटमी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीवर है तो अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को देखें तो वो थर्टी सेवन डिग्री है तो जब बॉडी टेम्परेचर रेज हुआ तो फीवर है फीवर की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस में आएगी अप्लाइड और क्लिनिकल अनोटमी सिमिलरली किडनी स्टोन्स हैं तो उनको हम इंडिकेट करेंगे उसको डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे फिर एस्तमा है रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिस्टर्बेंस है तो ये सब किस चीज़ की एग्जांपल है अप्लाइड और क्लिनिकल अनोटमी जिसके अंदर हम डिज़ीज़ की डायग्नोसिस करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अप्लाइड और क्लिनिकल एनोटमी ट्वेंटी वन ब्रांच इज दी क्रॉस सेक्शन एनोटमी क्रॉस सेक्शन एनाटमी नाम से ज़ाहिर है कि हम डिफरेंट uh, ऑर्गन्स को या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्रॉस करके उनको डिवाइड उनकी डिवीजन करके सेक्शन में डिवाइड करके जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एनाटमी इट इज़ दी ब्रांच ऑफ एनाटमी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ़ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेड का सी स्कैन करते हैं एक्जियल सी ब्रेन उसको बोलते हैं इसी तरीके से एम आर आई एक्जियल एम आर आई टी टू नी जब हम डिज़ीज की स्टडी करेंगे थ्रू मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एम और सी स्कैन उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एनोटमी द लास्ट वन ट्वेंटी टू ब्रांच इज द लिविंग एनोटमी लिविंग अनोटमी स्टडीड बाय इंस्पेक्शन के हम किसी चीज़ को देख के इसको इंस्पेक्ट करके या फिर पालपेशन के ज़रिए या फिर परकशन के ज़रिए बॉडी सर्विस को टैप करके ऑस्कल्टेशन के जरिए यानी स्टैथोस्कोप के ज़रिए या फिर एंडोस्कोपी कैमरे के ज़रिए रेडियोग्राफी एक्सरेज़ वगैरह के ज़रिए या इलेक्ट्रोमायोग्राफी के ज़रिए अगर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लिविंग एनाटमी सो स्टूडेंट Uh, if you understood this video, please like, subscribe, and share to my YouTube channel. Thank you for watching.